मैं कह रहा हूँ अगर जैसे इन्होंने जो मेहनत कर रहे हैं, हाँ, यही मेहनत अगर किसी लड़की ने करी होती इनके जगह पे, अब तक तो भाई साहब, मतलब मैं अभी तक फेमस हुआ था ना, अगर लड़की होता तो तू मानता है? नहीं मानता है, मानता हूँ। हमारे पास है 800 लोगों की पार्टी और काफी सारी आइटम्स है, रिवोली जैसे आइटम। ऊपर से ये ओडीसी है जो हमें के डीएलएफ की तरफ हमें जाना है और वहाँ जाके हमें ये फूड सर्व भी करना है। मुझे दोस्तों काफ़ी काम हो गया है और अभी थोड़ा एनर्जी कम हो गई है, इसलिए मैं जा रहा हूँ अभी चाय पीने। तो सबसे पहले पियेंगे चाय, जो कि एक पहाड़ी की ताकत है। बने रहोगे पगला तो काम करेगा अगला। हाँ, बने रहो लुल तनख्वाह लो फुल। पर तू सौरभ को क्यों सुना रहा है? तू ज़्यादा काम करते ना, ज़्यादा काम करता है जी, कद्दू काम करता है। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, और मेरा नाम है सनी राव, तो मैं रहने वाला हूँ रिकड़ी काल पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से, और स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस नए ब्लॉग पे। तो दोस्तों आज मजाक से हटके तो मैं बोलना चाहूँगा, हमारे पास है 800 लोगों की पार्टी और काफ़ी सारी आइटम्स है, रिवोली जैसी आइटम्स जो कि हमें नहीं डालनी चाहिए थी, लेकिन हमारे जो शेफ है उन्होंने ऐड कर दी है, और उसके लिए अब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। 800 लोगों के लिए अगर हम बनाएंगे तो कितना बनाएंगे बता? 800 पीस बनाने में कितना टाइम लगता है? ऊपर से आरन चीनी बॉल्स जिसमें कि और ज़्यादा टाइम लगता है, और एक और क्या है, इसको तो राइस भी है और बाकी ऐसे आइटम्स हैं, मतलब पूरा कॉन्टिनेंटल फूड है, तो हमें अच्छी वाट लगने वाली है आज। ऊपर से अभी तक सामान नहीं आया है, जो कि पार्टी 9 तारीख की है, 10 तारीख को है। तो अभी जाके थोड़ा कुछ सामान आया है, तो अब हम करने वाले हैं सीधे रिवोली की तैयारी, जिसमें कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ऊपर से ये बारिश, भाई बारिश ने ना ख़तरनाक सीन किया हुआ है, बंद होने का तो आज नाम ही नहीं ले रही है बारिश। और कल हमारा मैच था संडे को, तो वो भी इस बारिश की वजह से कैंसिल हो गया है। अब पूरा दिन हमें भाई बिना मैच के इस हफ्ते रहना पड़ेगा। चलिए भाई दोस्तों, रिवोली की तैयारी शुरू हो गई है और आप मुझे खुश नहीं लग रहे हो इस चीज़ से, बढ़ते जा रहे हैं। तो जो कल की ऑर्डरिंग थी कितने की थी? कल बोला 400, सुबह हुआ 800, अब हो गया 1800। तो 1800 रिवोली बनाने में कितना टाइम लग जाएगा तुम्हें? भाई 3200। तो दोस्तों चलिए, कल का शेड्यूल तो कुछ नहीं हो पा रहा है फिलहाल। जो हमारे पास ऑर्डरिंग थी 400 रिवोली की, 400 से बढ़ के वो 800 ही, और 800 के बाद अब हो गई है सीधे भाई 1600। आप तो भाई एक ही चीज़ सोच रहे हैं कि कैसे करके 2 दिन में हम 1600 रिवोली बना पाएंगे, और साथ साथ में आरंचनी बॉल जो मैंने बताया था, काफ़ी डिफिकल्ट आइटम्स है जो कि ये पार्टी में ले गए हैं। और ऊपर से ये ओडीसी है जो हमें के डीएलएफ की तरफ हमें जाना है, और वहाँ जाके हमें ये फूड सर्व भी करना है। भाई बाकी बड़ी ख़तरनाक दुविधा हो गई है फिलहाल अपने पास। तो दोस्तों शाम का टाइम हो गया है, करीबन 6:30 हो गया है, और मस्त बारिश हो रही थी थोड़ी देर पहले, और अभी बारिश थम चुकी है। बाकी हम जा रहे हैं, हम रिवोली बनाने अभी शुरू करने वाले हैं, तो करीब हमें थकान लगी। अरे यार इतने सारे बेल रहे ना अभी। भाई क्या बोला तूने? इधर देख के बोलना मतलब मैं अभी तक फेमस हुआ था ना, अगर लड़की होता तो तू मानता है? नहीं मानता है, मानता हूँ। चल अब काम कर, ज्यादा खेती मत कर। अरे यार इतने आज इतने बेइज्जती करवा रखी मेरी, तो शादी को भी करते हो? फिर काट दे ना, गाड़े वाले लगा दे, काट, आवाज बंद कर दे। कॉपीराइट आता है यार, कॉपीराइट आता है उसमें। चलिए दोस्तों रात के 8 बज गए हैं अभी, कहाँ बज गए देखो, 8 बज चुके हैं और भाई लोग भसड़ में लगे पड़े एकदम। ये बन रही है होममेड रिवोली, हवा सीधे
बहुत, एक दिन तो बहुत आगे जाएगा कोटद्वार से बसड़ा तक, ठीक है। और हाँ, बहुत सुंदर कार्य हो रहा है फिलहाल अभी। और चलिए दोस्तों, एक घंटे के कड़ी मेहनत के बाद सर कितने हो गए, 300 तो एक घंटे में हमने 300 रिवॉल्यू बना ली है। और अभी हमारे पास पेंडिंग कितने हैं बचे हुए, 1500 हमें और बनाने हैं अभी। आप ऐसे तो देख रहे हो, मुझे सर काम कर रहा हूँ, क्या मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, बाकी देखो लगे पड़े हैं फिलहाल काम पे सारे के सारे, और हमारे एक भाई आराम कर रहे हैं बस। बाकी फिलहाल अभी हमें 11 बजे तक यहीं रहना है, और एक घंटा ही हुआ है अभी तो, ठीक कितना हो रहा टाइम, 8:15 हो गया है, और हमें रहना है ठीक 11:30 बजे तक काम पे ही। ओके इतनी मेहनत मत करो, मेहनत करने कैसा है ये बता एक बार, कैसा है ये, बने रहोगे पगला तो काम करेगा अगला। हाँ एक और और भी है ना, दूसरा बने रहो लुल तनख्वा लो फुल। एक और, एक और भी है, एक और भी है कुछ, पर तू सौरभ को क्यों सुना रहा है, तू ज्यादा काम करता है, ज्यादा काम करता है ये, कद्दू काम करता है। हाँ अकेला क्यों लगा हुआ है तू, तुम तो भाग्य में है इसके नाम। तो ये हमारे भैजी है, ये बहुत जल्दी बल्लू यहाँ से फरार होने वाले हैं। हाँ कहाँ जाने वाले हो भैजी, मैक्सिको, किधर, देखो बहुत जल्दी भैया जर्मनी जाने वाले, और मुझे ज़रूर बुलाना, ठीक है, भूलना मत मुझे बुलाना, इनके साथ नहीं काम करना चाहता हूँ मैं, नहीं बिल्कुल नहीं, इनके साथ नहीं करूँगा मैं, ठीक है, जर्मनी जाऊँगा बढ़िया करके, पक्का ना, देख लो मैंने रिकॉर्ड कर दिया अभी, ये मेरे पास याद रहेगा मुझे, बिल्कुल मैं सब कर लेता हूँ, मैं यहाँ दिखाना नहीं चाहता इनको कि मैं कितना टैलेंट है मेरे पास। हाँ किस चीज़ का है? किस चीज़ का, घोड़ी चढ़ने का। तो चलो भाई दोस्तों, 9:45 और भाई करने वाला है क्लोजिंग अप, कितने पीस बन गए भाई, कितने पीस बन गए, 300 के आसपास, 300 बस, मैं 300 तो मैं बना के गया था, हाँ तो 400 गए। वाह भाई मैं तो कम डाल लूंगा भाई, तो डाली मत। चलिए दोस्तों काफ़ी काम हो गया है, और अभी थोड़ा एनर्जी कम हो गई है, इसलिए मैं जा रहा हूँ अभी चाय पीने। तो सबसे पहले पियेंगे चाय, जो कि एक पहाड़ी की ताकत है। ओहो तो दोस्तों करीबन 10 बजने वाले हैं, और अब थोड़ा सा थकान सी महसूस हो रही है, इसलिए अब हम करने वाले हैं, मैं करने वाला हूँ सबसे पहले भाई चाय पीऊँगा, क्योंकि एक पहाड़ी आदमी की जो स्ट्रॉन्ग पावर होती है ना चाय से ही आती है भाई, जितना मुझे लगता है। और बाकी कुछ लोग ऐसे भी हो जिनकी पावर आती होगी पौवे से, लेकिन हमारी जो पावर आती है भाई चाय से आती है, इसलिए पहले मैं चाय बनाऊँगा और चाय पीऊँगा मस्त करके, फिर एक घंटे काम करेंगे, और 11 बजे ठीक 11 बजे ना फिर हम निकलेंगे घर की तरफ। और फिलहाल अभी हमारे जो है जो रिवॉली है बनी हुई भाई, अभी फ़िलहाल करीबन हमारे हो गए हैं शायद 500 या 600 के करीबन हमने बना लिए हैं, और अभी भी हमारे पास जो पेंडिंग है जो 1300 हमें और बनानी है भाई, तो काफ़ी खतरों के खिलाड़ी वाला काम है जो कि हम ट्राई करने हैं पूरा करने में, बाकी देखते हैं कितने बनते हैं, बाकी कल भी टाइम है। तो भाई देखो 10 बजने वाले हैं, भाई ने कुछ भी काम नहीं किया अभी तक, घूम रहा हूँ मैं, जब गया था कि तो मैं 400 बना के गया था, अभी तूने कितने बना लिए, 15 क्या हो जाएगा बताओ, अभी हमें 3 दिन काम करना है, क्या कह रहे भाई जी, मेरे चैनल को नाम भाई सिब्बू यू के बारे ब्लॉग, सिब्बू, हाँ मेरा घर का नाम है ना सिब्बू, एस एच आई वी यू। चलो भाई छोटू से रोटी दे दो पहले मेरे को, देना पड़ेगा बाबा, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे शेफ हो आप, आपसे हमें अच्छे काम की उम्मीद है ना,
वो लग रहे क्या क्या स्नैक्स में आज अमृतसर ही है क्या क्या देखो लाल दिख के अमृतसर ही लगता है तो चाप है यार ये तो चाप है फिश है और ये है मलाई टिक्का यहाँ लग रही है मेरे लिए तंदूरी रोटी गर्मा गर्म तो भाई जल्दी जल्दी खा के मैं जा रहा हूँ फिर घर की तरफ तो चलिए भाई दोस्तों घर जाने का हो गया टाइम बाकी दोस्तों 11 बज गए हैं और अब जा रहे हैं भाई हम घर की तरफ कल और भी काम करना है बाकी मैं बनाऊँ जय बजरंगबली क्या करना है नीचे से कर दूंगा और वीडियो को भी मैं यहीं पे ख़त्म करूंगा और इसको भी ख़त्म कर दूंगा इसने परेशान कर रखा है भाई ने अरे मेरे को दिखाई नहीं दे रहा यार अबे अंधे क्यों हो तो फिर अंधे क्यों हो भाई हाँ दिख ना रही है कि मेरे को रात को नहीं दिखाई देता अंधेरा तो रात में तो किसी को भी दिखाई देता गिर गिरा मेरा सर फूल जाएगा बेचारा शादीशुदा वाला भी है तो इसको गिरा नहीं सकता यार मैं